हाय हेलो नमस्ते, मैं संतोषी और ये मेरी बेटी नमस्ते, ये मेरी बेटी आरुषि है और हम लोग आप ओके ओके बिल्कुल हम सब आपको हमारे ब्लॉग में वेलकम करते हैं। तो आरुषि को मैं सुला के आ गई, बहुत डिस्टर्ब कर रही थी और वैसे भी उसका टाइम हो गया था सोने का। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग होगा वो एक रेसिपी ब्लॉग होगा। मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जो भी रेसिपी है वो मुझे लगता है कि वो सबको पसंद है, इनफैक्ट बच्चों को तो बहुत पसंद है। तो मैं आज पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ और इसके लिए क्या चाहिए वो मैं तो आगे बता दूँगी, लेकिन उससे पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि विदाउट ओवन, ओवन में हम बिना ओवन के हम कैसे पिज़्ज़ा बना सकते हैं, वो भी 10 मिनट में। 10 मिनट में हम पिज़्ज़ा बनाएंगे और इसके लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बता दूंगी। मुझे तो लगता है पिज़्ज़ा जो है वो सबको पसंद होता है, आरुषि को तो भी बहुत पसंद है, मतलब वो खाती नहीं है लेकिन उसके ऊपर जो स्टफिंग रहता है पनीर मशरूम कॉर्न वो तो खा लेती है। और मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है पिज़्ज़ा। मैं नॉन वेज ज़्यादा प्रेफर नहीं करती पिज़्ज़ा में, लेकिन वेज पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है और आरुषि के पापा को भी पसंद है। तो आज को स्पेशल में हम पिज़्ज़ा बनाएंगे और आरुषि के पापा को सरप्राइज देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, लेकिन मैं पिज़्ज़ा अभी स्टार्ट नहीं करूँगी। अभी आरुषि सो रही है, मैं भी जाके रेस्ट कर लूँगी। उठने के बाद हम लोग पिज़्ज़ा बनाएंगे। 5:30 या 6 o'clock को हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, क्योंकि आज आरुषि के पापा भी जल्दी आ जाएंगे तो उनको हम इवनिंग स्नैक्स में पिज़्ज़ा सरप्राइज देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। कढ़ाई में कैसे बनाते हैं आप लोग को दिखाती हूँ, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पिज़्ज़ा के लिए सबसे पहले लिया है पिज़्ज़ा बेस। ये जो है ये आटा का बेस है और ये है मैदा का। तो हम इसमें से एक करेंगे, इसमें से एक करेंगे, दो पिज़्ज़ा बेस लिए हैं। और उसके बाद हमने लिया है रेड चिली सॉस। देखिए, उसके बाद हम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लिए हैं और ये है आपका पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग है ये। मैं दोनों के लिए लेके आगे पिज़्ज़ा और पास्ता, क्योंकि पास्ता भी खाते हैं हम लोग। और ये है चीज़ डाइस, ये चीज़ है। और हम लोग बटर इतना प्रिफर नहीं करते हैं घर में, तो बटर मैं यूज़ नहीं करती। और देखिए, मैं यहाँ पे सब क्यूब करके स्क्वायर के हिसाब से काट ली हूँ। ये है कैप्सिकम, ये है ऑनियन और ये पनीर है। पनीर को भी मैंने स्लाइड कर लिया है, लेकिन पनीर में जो है जो सीजनिंग है उसको थोड़ा मिला के मिक्स करके पनीर को रख ली हूँ। और ये है टोमेटो। टोमेटो में क्या है, मैं जो बीच का सीड्स होता है टोमेटो का वो सब निकाल के इसको भी स्क्वायर के तरह ऐसे काट ली हूँ। देखिए, तो अब चलते हैं हम पिज़्ज़ा बेस के ऊपर, ये सब कैसे सजाते हैं गार्निश करके हम दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मैं कभी भी डायरेक्ट नहीं करती हूँ, इसको थोड़ा फ्राई करके करेंगे, नहीं तो थोड़ा कच्चा कच्चा लगेगा। तो सबसे पहले मैंने ये पैन में इसको थोड़ा फ्राई कर देती हूँ। आपके पास अगर बटर है तो आप बटर यूज करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा बटर प्रिफर नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे ही फ्राई कर देती हूँ। थोड़ा गर्म होने के बाद हम फ्राई करेंगे। बॉल में क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा ऑयल लेके, बस जस्ट थोड़ा सा ऑयल लेके इस पिज़्ज़ा बेस को मैं थोड़ा फ्राई कर दूंगी, क्योंकि हम लोग बटर यूज नहीं करते, बटर किसी को भी हमें पसंद नहीं है। थोड़ा सा ऑयल लेके हम फ्राई करेंगे। व्हाट हैपेंड आरुषि, यू वांट पिज़्ज़ा? You want pizza? You like pizza? Do you like pizza? Pizza. Pizza. It's not pizza. It's pizza. तो ऑयल गरम होने के बाद थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, नहीं तो कच्चा कच्चा रह जाता है इसमें। Don't put. Keep here. Pizza. I will just wait. Tummy. Tummy. You are hungry. You are feeling hungry. थोड़ा सा फ्राई करेंगे, क्योंकि वो तो वैसे भी पिज़्ज़ा बनते वक्त हो जाएगा। मुझे पिज़्ज़ा
करके फ्राई करना है। जैसे कि आपने जो पिज्जा है इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है फ्राई होने के कारण, इसको प्लेट में निकाल देंगे। फिर हम इसको अभी गार्निश करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा रेड चिली सॉस लेंगे। फिर हम ये वाला पिज्जा पास्ता सॉस लेंगे। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, हमें क्या करना है, इस कढ़ाई को सबसे पहले गर्म करना है। मैं क्या की हूँ, यहाँ पे एक स्टैंड रखी है कढ़ाई के अंदर। सबसे पहले इस कढ़ाई को हम ठीक कर देंगे, गर्म कर देंगे। अभी हम ये पिज्जा को गार्निश करेंगे। अभी हम थोड़ा सा ये जो सीजनिंग है ये थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा बस। उसके बाद हम पूरा गार्निश होने के बाद हम पूरा डालेंगे। एक्चुअली मैं कॉर्न ऑर्डर करने वाली थी, मैं सोची थी ऑर्डर करूंगी, लेकिन जब पिज्जा बनाने का टाइम है तब तक मैं भूल गई थी कि मुझे कॉर्न ऑर्डर करना है। मुझे लगा कि ऑलरेडी मेरे पास होगा, इतना दिमाग में नहीं रहा, मैं कॉर्न भी डालती हूँ। आप चाहे तो आपको जो वेजी पसंद है, जो भी वेजिटेबल्स, वो ज्यादा डाल सकते हैं। मुझे भी पिज्जा में ज्यादा वेजेस अच्छा लगता है, आयुषि को पापा को भी अच्छा लगता है। ये पिज्जा बना के आज उनको सरप्राइज देंगे। चीज डाल देंगे, मैं डाइस वाला चीज लेती हूँ। देखिए अभी हम क्या करेंगे, ये पिज्जा को लेके ये छोटा वाला प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। अब ये प्लेट को हम यहाँ पे जो हीट में करके रखी थी पहले से ही, ये कढ़ाई उसमें डाल देंगे। देखिए ऐसे थोड़ा केयरफुली डालिएगा, बहुत गर्म रहता है। फिर हम इसको ढक देंगे, ढक देते हैं, इससे ढक लिया है। अब इसको थोड़ा मीडियम में रख के हम इसको 8 to 10 minutes में पकने देंगे। ओके, कि अब हो गया है 8 से 10 minutes, अभी हम इसको निकाल देते हैं। वाह, देखिए हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है।
और अभी हम यहाँ से केयरफुल होके यहाँ नीचे उतारेंगे पिज्जा को, ठीक है। तो चलिए देखिए हमारा पिज्जा हो गया है रेडी। अभी हम इसका इसके ऊपर सीजनिंग थोड़ा डालेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देखें हम पिज़्ज़ा कितना यम्मी बना था, और मैं खाते वक्त तो वीडियो नहीं बना पाई, तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना था। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए, 10 मिनट में बहुत इजी वे में बन जाता है पिज़्ज़ा, और बच्चों को खिलाइए वो भी बहुत खुश होंगे। बाहर से तो बहुत हाइजीन रहता है और थोड़ा तो हेल्दी रहता है घर में बनाने से, पिज़्ज़ा इतना हेल्दी नहीं है, फिर भी कभी कभी तो हम टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी तो हम पिज़्ज़ा खा चुके हैं, फिर डिनर खाते खाते तो लेट हो जाएगा क्योंकि अभी बज रहे हैं 7:30। तो अभी मुझे फिर से डिनर भी बनाना है। हम एक्चुअली आरुषि जो है उसको मैं 10 o'clock के अंदर खिला देती हूँ डिनर, और हम लोग 10:30 तक हो जाता है। और आरुषि तो पिज़्ज़ा इतना नहीं खाई, वो बस पनीर खाई उसमें से। तो चलते हैं, मैं डिनर बना रही हूँ, फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक चटपटे और शानदार ब्लॉग के साथ। तो गाइस बाय। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर मेरे ब्लॉग्स में नए नए रेसिपी देखना है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को शेयर भी कीजिए। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर।